पांच इस वक्त फ्रॉड बताएं जिसको सोशल मीडिया फेसबुक इधर उधर जो है हो रहे हैं, हम टॉप फाइव कर लेते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो, लेकिन इनसे तो लाजमी बचना है। और ये फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, आपकी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करके, आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स को हैक करके, आपके ही जो क्लोज सर्कल होता है उससे पैसे मांगे जाते हैं कि जी मैं एक कंट्री में ट्रैप हो गया हूँ और मेरे पास फ़ोन का एक्सेस नहीं है, फेसबुक का एक्सेस है, आप मुझे फौरी तौर पे जो है ना वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी और पेमेंट मेथड के थ्रू पैसे दें। तो नंबर सेकंड जो है ना मैं इसको रेट करूँगा। याद रखें, अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी ऐप पर जब आपके किसी फैमिली मेंबर या दोस्त का मैसेज मौसूल हो तो जल्दबाजी में उसे पैसे भेजने की बजाय एक दफा तहकीक जरूर कर लें, क्योंकि ऐन मुमकिन है दूसरी तरफ आपका दोस्त या फैमिली मेंबर नहीं बल्कि कोई नौसरबाज हो। आपको कॉल्स आती हैं, कोई बैंक का नुमाइंदा बनता है, कोई एहसास प्रोग्राम का या किसी इदारे का नुमाइंदा बन के आपसे बात करता है और आपको कहता है कि हम आपको यू नो वेरिफिकेशन कर रहे हैं आपकी, और या आपको कोई फॉर एग्जांपल इनाम मिल गया है तो आप जो है ना उसको क्लेम करने के लिए जो है हमें कुछ डाटा दें, तो नॉर्मली होता है कि वो आपसे जो है ना या तो व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड ले रहे होते हैं या फेसबुक का जो वेरिफिकेशन कोड ले रहे होते हैं और उसको व्हाट्सएप को आपको टेक ओवर कर रहे होते हैं और फिर जिस तरह मैंने कहा कि लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं, या ये क्या करते हैं आपके इंटरनेट बैंकिंग को आपसे डाटा लेके इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करके बेनिफिशरीज को ऐड करके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि ये हमें आपको रुकूंगा, क्योंकि ये मैंने एक देखा था कि एक दफ़ा मुझे खुद ये एक ईमेल आई थी जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, इसमें क्योंकि ये जितने भी आपके बैंक्स होते हैं या आपकी वालदा का नाम आपसे पूछते हैं, इसके अलावा आपका जो कार्ड होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसके पीछे तीन होते हैं वो जो हिंसे लिखे हुए होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के पास ऑलरेडी आ गई होती है थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो नादरा का बहुत सारा डाटा है वो भी कम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, तो एक्चुअली आपके फ़ोन नंबर्स पे जितने होते हैं वो निकल आते हैं, तो उनको फ़ोन की एक्सेस तो मिल जाती है और फिर उसके बाद वो बाकी चीज़ें आपसे पूछ के तो ये कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन ख़रीदारी भी कर सकते हैं आपके अकाउंट से, तो वो एक बड़ा अहम बात है कि आपने किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। फ्रॉड करने वाले एक से बढ़कर एक हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उनके हर हरबे का निकाला जा सकता है तोड़। ऑनलाइन जॉब स्कीम्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि आपको ईमेल्स आती हैं, क्योंकि आप के घर बैठे इतने पैसे बना लें और वो अक्सर ऐड हम देखते हैं, ये एक बड़ा स्पेसिफिक वर्जन है। हाँ। इसमें ये होता है कि हर एक ने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होता है, नौजवान नस्ल है और आपको पता है जॉब्स की उस तरह से किल्लत है तो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ रुख करते हैं, तो आपको ईमेल आती है कि जी आपने किसी एक्स वाई जेड वेबसाइट के अंदर जो है ना आपने अप्लाई किया था, आपने CV अपलोड की थी और आपकी योर CV हैज़ बीन सिलेक्टेड, तो आप इस तरह से करें कि यू नो वीज़ा की फ़ी जो है ना आप हमें प्रोवाइड करेंगे, या यू नो किसी जगह से जो है ना आप मेडिकल करवा लें, ठीक है, फॉर द वीज़ा टू प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि 5,000 dirham या 6,000 dirham या जो भी एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपको दिए जाएंगे हर महीने और वो साथ ऑफर लेटर भी दिया जाएगा। आप कहेंगे यार बगैर पैसों के, बगैर किसी इंटरव्यू के या बगैर यू नो पूरा जो प्रोसेस है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा जॉब भी मिल गई और मुझे इतने पैसों का प्रॉमिस भी कर लिया गया, लेकिन ये कहते हैं कि वीज़ा जो है ना आप देंगे, तो ये एक फ्रॉड है जो लोगों के साथ किया जाता है। वीज़ा के पैसे, वीज़ा तो वीज़ा ऑफिस में जमा होते हैं, तो वो नहीं, वो ये कहेंगे कि किसी अकाउंट में आप पैसे जमा करवा लें, या वो कहेंगे कि लोगों ने ये भी किया हुआ था कि हमने हमारी नज़र से ये चीज़ गुजरी कि लोगों ने फेक लैब्स भी इस्टेब्लिश की हुई है, कहते हैं कि आप वहाँ जाएं और आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसकी बड़ी एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट बता देते हैं, 30,000-40,000 में जो आपका टेस्ट होता है, आप वहाँ जाते हैं आप टेस्ट करवाते हैं और बाद में आपको कोई रिस्पांस नहीं आता, आप चले जाते हैं उनके पास जहाँ से आपने टेस्ट करवाया होता है, वो तो कहते हैं कि भाई हमें तो उन्होंने रेफ़र किया था टेस्ट का, तो हमारा तो कोई काम नहीं है। जहाँ मुलाजमत के नाम पर बहुत सारे लोग बनते हैं ऐसे नौसरबाजों का शिकार, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ पुरकशिश स्कीम्स के जरिए भी किया जाता है फ्रॉड। आखिरी कोई तरीका जो आप डिस्कस करना चाहें? आखिरी तरीका फेसबुक पेजेस पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स बताई जाती हैं कि हर महीने घर बैठे बैठे आपको 20,000 rupees या 30,000 rupees जो मिलेंगे, तो आप उनको अप्रोच करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएं अपने नाम पर, आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने नाम पर और कहते हैं कि एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है ना आपने हमारा देना है, तो एड्रेस जो है ना उनका कोई एड्रेस होता है जहाँ पर ATM कार्ड रिसीव करते हैं और फ़ोन नंबर जो है ना उनका कोई फ़ोन नंबर होता है जो किसी और नाम पर रजिस्टर्ड होता है, अब उन आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो उनके इस्तेमाल में आ जाता है, आपको पहले महीने
20,000 रुपये दे देते हैं, आप खुश हो जाते हैं, दूसरे महीने से वो पेमेंट डिस्कनेक्ट कर देते हैं या लेट से तीसरे महीने से वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये जो आपके अकाउंट्स होते हैं ये मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा ये कि ये जो फ्रॉड्स की जो अमाउंट होती है, जब आपको कॉल्स आती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम से और आपके अकाउंट से जो पैसे निकाले जाते हैं, तो ये आपके ये अपने ज़ाती अकाउंट्स में नहीं ट्रांसफ़र करते, ये करते हैं कि उस शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, या मल्टीपल अकाउंट्स उनके पास होते हैं, उनमें से किसी एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर तीसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ करवा लेते हैं। इन केस अगर एफआईएस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा तो इंडिया में आप आ सकते हैं, चूँकि आपने अबैटमेंट की है, अबैटमेंट ऑफ क्राइम इज़ ऑल्सो क्राइम। ये बड़ी सहूलतकार और फैसिलिटेटर बने हैं। बहुत शुक्रिया राफे बलोच हमें वक्त देने के लिए, और आज बहुत सारी अहम बातें हमें डिस्कस की आज के एपिसोड में। ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्मार्ट बनाएंगी, जो आज का ज़माना चल रहा है उस हवाले से स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो एक क्रक्स जो मैं समझ आया है कि लालच में ना पड़े, कोई भी इंसान आपको ऐसा कोई दावा कर रहा है कि आपको बहुत ही कम अरसा में बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, तो उससे बचिए, पर ऐसे अफराद के शर से यकीनन बचिए, नहीं तो आप बहुत बड़ा कोई नुकसान उठाएंगे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम, राफे बलोच और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन